ओके, थैंक यू सो मच. माय वॉर्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन. सभी को नमस्कार. टाइम क्योंकि कम है तो मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगी, पर एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने वेस्ट दिल्ली में CWC मेंबर की तरह भी काम किया है और नेशनल कमीशन फॉर वेमेन में मैं काउंसलर रही हूँ. और कारा की जो सब कमेटी थी सोशल वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, उसमें मैं मेंबर रह चुकी हूँ. अभी हाल फिलहाल मैं एक लीगल कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने चाइल्ड रिलेटेड लॉज जो हमारे देश में हैं उन पर करीब 80 वीडियोस डाले हैं. तो अभी जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो तो ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों पर है, लेकिन जो भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, अगर आपको JJ एक्ट, पॉक्सो, चाइल्ड मैरिज एक्ट, इन सभी कानूनों से संबंधित अगर कोई जानकारी बाद में भी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर के वीडियोस देख सकते हैं. अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आप प्लीज़ मुझे थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू. नहीं मैम, आप देख पा रहे हैं? नहीं मैम, आ गया आ गया आ गया जी, आ गया ठीक है, तो वीडियो भी क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है. मैं इसको जी। स्लाइड मोड पर डाल देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस. द टॉपिक विच हैज़ बीन असाइंड टू मी इज़ ऑल्टरनेटिव केयर फॉर ऑर्फन, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन. तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी ऑल्टरनेटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बच्चा किसी न किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहा है, ओरिजिनल फैमिली के साथ नहीं रह पा रहा है, तो उसे वैकल्पिक संरक्षण दिया जाए. अब ये जो ऑल्टरनेटिव केयर है ये दो तरीके से दी जा सकती है, या तो बच्चे को इंस्टीट्यूशन में रखा जाए या फिर उसे किसी फैमिली के साथ रखा जाए. तो अगर शॉर्ट टर्म केयर करना है तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की जब बात आती है तो फिर इंस्टीट्यूशन में रखने से बेहतर है कि बच्चे को किसी फिट फैमिली के साथ रखा जाए. और यहाँ पर इस बात पे हम सभी एग्री करेंगे. तो जो फैमिली बेस्ड केयर के ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं किनशिप केयर, फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन. क्योंकि मेरा जो आज का विषय है वो ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों को लेकर है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें OAS बच्चे कहा जाता है. तो यहाँ स्लाइड पे आप देखिए, JJ एक्ट में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं. ऑर्फन चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु इज विदाउट पेरेंट्स और गार्डियन. अनाथ बच्चा वो बच्चा है जिसके माता पिता भी नहीं है और कोई संरक्षक भी नहीं है. तो यहाँ पर इस तरह का जो बच्चा होता है उसे CWC अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करती है, लेकिन उससे पहले उसे ऑर्फन डिक्लेयर करती है. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर किसी बच्चे के दोनों माता पिता की डेथ हो जाती है किसी रोड एक्सीडेंट में या बीमारी की वजह से, और इंक्वायरी में वहाँ पता लगता है कि फैमिली में और कोई भी नहीं है जो उस बच्चे की देखभाल कर सकता है, तो फिर CWC इस बच्चे को ऑर्फन डिक्लेयर करेगी. अबैंडन्ड चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु हैज बीन डिजर्टेड बाय द पेरेंट्स और गार्डियंस, यानी ऐसा बच्चा जिसे उसके माता पिता या संरक्षण ने त्याग दिया है, कहीं छोड़ दिया है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने बच्चे को हॉस्पिटल में, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को सड़क पर ही छोड़ देते हैं, मंदिर मस्जिद के बाहर छोड़कर चले जाते हैं, कभी कोई बच्चा रेलवे स्टेशन पर अनअटेंडेड मिलता है. कुछ लोग जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है इस सिस्टम के बारे में, केयर एंड प्रोटेक्शन वाले सिस्टम के बारे में, तो वो बच्चे को पालने में छोड़ कर जाते हैं. तो इस तरह के जो बच्चे के केसेस होते हैं उनमें जब इंक्वायरी में ये पता लगता है कि फैमिली की कोई जानकारी इनफैक्ट नहीं मिलती है, फैमिली के बारे में कोई क्लू ही नहीं मिलता है, तो फिर CWC इस तरह के बच्चे को अबैंडन्ड डिक्लेयर करती है और उसके बाद में इसे अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री करती है.
तो देखिए, जब भी कोई बच्चा CWC के सामने प्रोड्यूस होता है जो प्राइमा फेसी यानी कि प्राथमिक तौर पर ऑर्फन या अबैंडन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ पर CWC को एक इंक्वायरी करवानी होगी। और ये जो जांच होती है, इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया JJ एक्ट में दे रखी है। अगर इंक्वायरी में कोई भी फैमिली मेंबर या कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर सामने आता है और वो फिट पर्सन है, वो बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार है, समर्थ है, सक्षम है, तो वहाँ पर इस बच्चे को फैमिली मेंबर को रिस्टोर किया जा सकता है। ओरिजिनल फैमिली में उसका प्रतिधारण संभव है। तो ये जो अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, वो चाहे तो कोर्ट में जाकर के गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत अपने आप को बच्चे का गार्डियन अपॉइंट करवा सकता है, डिक्लेयर करवा सकता है। और ऐसी स्थिति में फिर इस बच्चे की जो वेलफेयर है वो कोर्ट की निगरानी में रहेगा। लेकिन हमारे देश में हर कोई तो इस तरीके से कोर्ट में जाकर के अपने आप को गार्डियन अपॉइंट नहीं करवाएगा। तो जो नॉन फॉर्मल किनशिप केयर है उसे भी रिकॉग्नाइज किया गया है और ट्रेडिशनली ये चीज़ प्रैक्टिस होती आई है। तो अगर किनशिप केयर में बच्चे को रखा जाता है, तो वहाँ अगर उस एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चे को उसके डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो जो भी अवेलेबल वेलफेयर स्कीम्स हैं या स्पॉन्सरशिप स्कीम है, उसके थ्रू बच्चे को और उस परिवार को बेनिफिट दिए जा सकते हैं। तो ये ऑर्फन और अबैंडन्ड बच्चों की बात हुई। सरेंडर्ड बच्चे की अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन ये कहती है कि सरेंडर्ड चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु हैज बीन रिलिंक्विश्ड बाय ईदर बायोलॉजिकल पेरेंट और लीगल गार्डियन। और यहाँ पर मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज पे अटेंशन, सरेंडर इज ऑलवेज बाय ईदर बायोलॉजिकल पेरेंट और लीगल गार्डियन। तो सिर्फ जैविक माता पिता ही अपने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट ने लीगल गार्डियन अपॉइंट किया है या डिक्लेयर किया है, वही अपने वार्ड को CWC के सामने सरेंडर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन बच्चे को सरेंडर करता है, तो उसे हम सरेंडर्ड चाइल्ड नहीं मानते, उसे हम अबैंडन्ड चाइल्ड मानेंगे। और वहाँ वो इंक्वायरी की प्रक्रिया फॉलो की जाएगी जो कि अबैंडन्ड बच्चे के लिए या ऑर्फन बच्चे के लिए रूल्स में और रेगुलेशंस में दी गई है। अच्छा, जब भी सरेंडर होता है तो सरेंडर हमेशा CWC के सामने ही होता है। इसके अलावा और भी किसी अथॉरिटी के सामने सरेंडर पॉसिबल नहीं है। और CWC के सामने कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरेंडर क्यों करेगा, तो ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि कोई ना कोई ऐसा कारण होना चाहिए जो सरेंडर करने वाले व्यक्ति के अपने नियंत्रण में नहीं है। सो सरेंडर कैन नॉट बी अ रूटीन अफेयर। इट हैज टू बी अलाउड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो मान लीजिए कोई अनवेड मदर है या कोई पेरेंट टर्मिनली इल है और फैमिली में कोई नहीं है जो बच्चे की देखभाल कर सके, तो वहां पर ये पेरेंट चाहते हैं कि जो अपना बच्चा है वो सरकार को दे दें। तो यहाँ पर वो बाकायदा एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने बच्चे को CWC को सौंप देंगे। तो इसको हम सरेंडर कहते हैं। जब सरेंडर होता है, तो वहां पर भी CWC के लिए कानून ये कहता है कि CWC एक बार ये कोशिश जरूर करेगी कि जो व्यक्ति बच्चे को सरेंडर करने आया है वो बच्चे को सरेंडर ना करे, क्योंकि अगर बच्चे का उसकी ओरिजिनल फैमिली में रिटेंशन होता है तो वो बच्चे के लिए अच्छी बात है, वो बच्चे का अधिकार है। तो यहाँ पर अगर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत परिवार को है, उस पेरेंट को या गार्डियन को है, तो वहाँ अवेलेबल जो भी स्पॉन्सरशिप स्कीम है या कोई भी कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ उस परिवार को मिलना चाहिए। पर फिर भी अगर लगता है कि नहीं, ऐसा करने से भी कोई फायदा होगा नहीं और सरेंडर ही एकमात्र चारा है, तो सरेंडर को अलाउ किया जाएगा। लेकिन सरेंडर करते टाइम जो व्यक्ति सरेंडर कर रहा है उसकी लीगल काउंसलिंग और इमोशनल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और उस व्यक्ति को बहुत ही रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। लीगल काउंसलिंग का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि उस व्यक्ति को ये बताना जरूरी है कि अगर वो अपने बच्चे को सरेंडर करता है तो उसे सरेंडर डीड एग्जीक्यूट करनी होगी, और जब वो ये एक अभ्यर्पण विलेख निष्पादित करेगा तो उसमें वो ये कहेगा कि उसके पास जो 60 दिनों का रिकंसिडरेशन टाइम है, अगर वो उन 60 दिनों के भीतर आकर के अपने बच्चे को रिक्लेम नहीं करता है,
तो फिर ये बच्चा आगे अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो बेसिकली एक पुनर्विचारण का समय उस व्यक्ति को दिया जाएगा, और अगर वो वापस नहीं आता है, बच्चे को नहीं लेकर जाता है, तो एट द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज CWC विल डिक्लेयर दिस चाइल्ड एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। और ये उसे बताना ज़रूरी है सरेंडर के टाइम कि अगर ये बच्चा अडॉप्शन में दिया जाता है तो बच्चा हो सकता है कि देश के किसी भी राज्य में अडॉप्शन में चला जाए, और ये भी हो सकता है कि बच्चा विदेश में बाहर किसी परिवार को अडॉप्शन में दे दिया जाए। तो इस तरह की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर उनको सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, आई थिंक आपका रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये जो ऑर्फन अबैंडन्ड और सरेंडर्ड OS कैटेगरी के बच्चे हैं, इनको अडॉप्शन में देने के लिए सबसे जो पहला कदम है वो यही होगा कि CWC इन्हें अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर करेगी। और जब ये LFA सर्टिफिकेट CWC साइन करती है, तो उसके बाद 10 दिनों के भीतर भीतर बच्चे का जो प्रोफाइल है वो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का जो ऑनलाइन सिस्टम है केयरिंग्स, उस पर अपलोड किया जाना होता है। क्यों किया जाना होता है? क्योंकि जो प्रिस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो कारा के ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो ये जो बच्चे का प्रोफाइल है, ये एक उचित परिवार को रेफर किया जाएगा ताकि आगे जाकर के बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा सके। अडॉप्शन जिस दिन से इफेक्टिव होता है, उस दिन से बच्चे का अपने जैविक माता पिता से जो रिश्ता है वो टर्मिनेट हो जाता है, और उस रिश्ते की जगह जो अडॉप्टिव फैमिली है उसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। सो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अडॉप्शन से एक बहुत बड़ा परिवर्तन बच्चे के जीवन में आएगा, और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ट्रांजिशन है ये चैलेंजिंग होता है, इसके साथ अपनी चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। और इसलिए जो ये बच्चे होते हैं, खास करके जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं जिनका अपना एक डेवलप्ड माइंडसेट होता है, उनको अडॉप्शन के लिए मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और उनकी प्रिपरेशन हो सकती है एक सही काउंसलिंग के द्वारा। तो यहाँ जो ट्रेन्ड काउंसलर्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, जो परामर्शदाता हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए और प्रशिक्षित होने चाहिए। बच्चों को तो परामर्श की ज़रूरत होती ही है, जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो काउंसलिंग की सुविधा है, ये सिस्टम में हर लेवल पर अवेलेबल होनी चाहिए और अडॉप्शन के हर स्टेप पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं कि प्री अडॉप्शन काउंसलिंग हो, देन अडॉप्शन प्रोसेस के दौरान काउंसलिंग हो, पोस्ट अडॉप्शन काउंसलिंग भी अवेलेबल हो, और सेंट्रल लेवल पर कारा के पास अपने काउंसलर्स होने चाहिए, स्टेट लेवल पे सारा के पास होने चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है ये उसकी जिम्मेदारी है कि काउंसलिंग की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध करवाए। अडॉप्शन के केस में जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंडक्ट करने की जिम्मेदारी होती है उस स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी की जिसमें बच्चा रखा गया है। पर मान लीजिए बच्चे को किसी ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा गया है, किसी चिल्ड्रन होम में रखा गया है जिसे स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी की तरह मान्यता प्राप्त नहीं है, तो क्या अडॉप्शन नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे कानून ये कहता है कि अडॉप्शन होगा, और ऐसे केस में इस तरह के चिल्ड्रन होम को अप्रोप्रिएट सा के साथ लिंक करने की जिम्मेदारी DCPU की है। तो यहाँ पे जो अडॉप्शन का केस है वहाँ जो लीगल पिटिशन फाइल होगी वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के लॉयर के थ्रू फाइल होगी। तो जो 2015 वाला हमारा JJ एक्ट है उसमें तो ये प्रोविजन है कि अडॉप्शन का जो फाइनल ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट इश्यू करेगा। लेकिन जो 2021 के अमेंडमेंट्स हैं उसमें एक बड़ा चेंज ये लाया गया कि ये जो फाइनल ऑर्डर इशू करने की पावर है ये कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को दे दी गई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल पुराना प्रोसेस ही चल रहा है क्योंकि अभी जो ये नए अमेंडमेंट्स हैं ये इन्फोर्स नहीं किए गए हैं। तो जो हमारा JJ एक्ट में प्रोसेस दिया गया है 2015 के एक्ट में, इसके अलावा जो JJ मॉडल रूल्स हैं या स्टेट रूल्स जहां पर फ्रेम किए जा चुके हैं वहां पर स्टेट रूल्स रेफर किए जा सकते हैं, और इसके साथ में जो अडॉप्शन रेगुलेशंस हैं 2017 की, उनमें जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वही फॉलो होनी है।
तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली आपको ये एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। इसमें मैंने OAS बच्चों का इन कंट्री अडॉप्शन कैसे होता है उसके स्टेप्स दिखाए हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जो प्रिस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कारा के ऑनलाइन पोर्टल पर करते हैं, जैसे हम कहते हैं केयरिंग्स। और जब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इनकी होम स्टडी होती है, और अगर ये होम स्टडी में सूटेबल पाए जाते हैं तो फिर इनको बच्चे का एक प्रोफाइल भेजा जाता है। बच्चे की और प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की जब मैचिंग हो जाती है तो अडॉप्शन कमिटी मीटिंग के एक होती है, और उसमें अडॉप्शन कमिटी के सामने इनको मिलाया जाता है। अडॉप्शन कमिटी अगर अडॉप्टिव पेरेंट्स को अप्रूव कर देती है तो फिर इनकी पिटीशन तैयार होती है, और ये पिटीशन आगे जा करके कोर्ट में फाइल की जाती है। कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद में बर्थ रजिस्ट्रार के ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है, और वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसमें बच्चा और बच्चे के साथ में जो पेरेंट्स का नाम है वहाँ पर अडॉप्टिव पेरेंट्स का नाम एंटर कर दिया जाता है। इसी स्लाइड के आगे आपको प्रेजेंटेशन में देखने को मिल रहा है कि इंटर कंट्री अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ जो इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए प्रस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी होम स्टडी हो जाती है उसके बाद होता है, और ये जो विदेश में ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी या जो वहाँ की कंसर्न्ड सेंट्रल अथॉरिटी है उनके थ्रू एप्लीकेशन स्पॉन्सर की जाती है। और यहाँ पर खास बात यह है कि कोई अडॉप्शन कमिटी नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्टली कारा की जो NOC कमिटी है वो अपनी तरफ से NOC इशू करती है, और जिस देश में बच्चा जाता है जो रिसीविंग कंट्री है उस रिसीविंग कंट्री के अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ जो कॉमन आप बात देखेंगे इन कंट्री अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन में वो ये है कि दोनों ही प्रोसेसेस में अडॉप्शन के फाइनल होने के बाद 2 साल तक बच्चे का पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है एंड इट इज़ अ गुड प्रोविजन एज वेल बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर यू नो कीपिंग ट्रैक ऑफ द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के इंटरेस्ट को इंश्योर किया जा सके इसके लिए पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप ज़रूरी है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पोस्ट अडॉप्शन फॉलोअप के दौरान ये पता चलता है कि बच्चा और जो अडॉप्टिव परिवार है उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वहाँ पर डिसरप्शन या डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसरप्शन मतलब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, उसके पहले ही नॉन एडजस्टमेंट हो गया, और डिसोल्यूशन मतलब फाइनल ऑर्डर आ गया था लेकिन उसके बाद में बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो वहाँ पर कोर्ट में उस अडॉप्शन ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल करता है। तो जब डिसरप्शन या डिसोल्यूशन हो जाता है तो बेसिकली हो क्या रहा है, अडॉप्शन फेल हो गया है। सो फेल्ड अडॉप्शन इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि आफ्टर दिस द रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड, फर्दर रिहैबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से ही जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं, जो फंक्शनरीज यहाँ पर हैं, वो बहुत विजिलेंट होकर के काम करें। और इसीलिए जो हमारा कानून है उसी में प्रस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की कुछ एलिजिबिलिटीज फिक्स की गई हैं। तो यहाँ सेक्शन 57 है एक्ट का, और रेगुलेशंस में रेगुलेशन 5 आप पढ़ सकते हैं। जो संभावित दत्तक माता पिता हैं उनकी पात्रता क्या होगी वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए, फिट होने चाहिए, और बहुत ही प्रेरित और उत्साहित होने चाहिए बच्चे को लेने के लिए। इसके अलावा इनकी कुछ और एलिजिबिलिटीज दी गई हैं एंड दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई थिंक टाइम कम है तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कानून में कुछ प्युनिटिव प्रोविजंस दिए गए हैं। JJ एक्ट में जो सेक्शन 80 है वो बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कहता है कि अगर ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों का अडॉप्शन बिना JJ एक्ट के प्रोसेस को फॉलो किए किया जाता है तो फिर ये एक दंडनीय अपराध है। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस और उसके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान है। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पर समझने वाली है वो है अडॉप्शन और फॉस्टर केयर की इक्वेशन। खास करके जो OAS बच्चे हैं उनके केसेस में अडॉप्शन और फॉस्टर केयर की इक्वेशन क्या है। तो देखिए, जब CWC एक बच्चे को अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर देती है
तो उसके बाद में बच्चा अडॉप्शन में जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई फैमिली आगे ही ना आए, वो बच्चा अडॉप्शन में जाए ही ना, तो क्या ऐसे में वो बच्चा सीसीआई में रहेगा, इंस्टीट्यूशन में रहेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि कानून तो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉ में ये व्यवस्था की गई है कि एक समयावधि निश्चित कर दी गई है। तो यहाँ रूल 44 में ये कहा गया है कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको तो जहाँ तक संभव हो फॉस्टर केयर में ना दिया जाए, क्योंकि अडॉप्शन ही उनके लिए प्राथमिकता है। क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको जो परिवार हैं वो अडॉप्शन में लेने के लिए काफ़ी प्रेफर करते हैं, वो जल्दी अडॉप्शन में चले जाते हैं। लेकिन जो 6 से 8 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, अगर उनको CWC ने अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो 2 साल तक किसी भी परिवार में अडॉप्शन में नहीं गए, तो फिर उन बच्चों को फॉस्टर केयर में प्लेस किया जा सकता है। इसी तरीके से 8 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, अगर वो 1 साल तक अडॉप्शन में नहीं गए, तो फॉस्टर केयर में प्लेस किए जा सकते हैं। और जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अगर वो 2 साल तक अडॉप्शन में नहीं गए, सॉरी 1 साल तक अडॉप्शन में नहीं गए, तो फिर उन्हें फॉस्टर केयर में प्लेस किया जा सकता है। और फॉस्टर केयर के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो CWC ही इशू करेगी यहाँ पर, यहाँ कारा का रोल नहीं है। फॉस्टर केयर के बारे में जो भी ऑर्डर देने की पावर है वो कंसर्न चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है, और यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ये ध्यान देना होगा कि किसी भी बच्चे को लॉन्ग टर्म फॉस्टर केयर में वो नहीं दे सकती है। 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए फॉस्टर केयर में नहीं रखा जा सकता है, शॉर्ट टर्म फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है, जो कि 1 साल से कम समय की अवधि होगी। फॉस्टर केयर के लिए जो फैमिलीज का सिलेक्शन है वो DCPU को करना होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहाँ पर अगर किसी भी फॉस्टर केयर फैमिली को फाइनेंशियल ग्रांट की ज़रूरत है तो उसका प्रावधान कानून में है, और हमारे यहाँ फॉस्टर केयर गाइडलाइंस भी हैं उसके लिए। लेकिन फॉस्टर केयर के बारे में एक बात यहाँ आप सभी को समझनी ज़रूरी है कि फॉस्टर केयर एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, और इसीलिए इसको हम OS बच्चों के लिए सेकेंडरी ऑप्शन मानते हैं। टेम्प्रेरी अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये जो फॉस्टर केयर होती है वो पूरा टाइम CWC और DCPU की मॉनिटरिंग में रहेगी, और कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि जो फॉस्टर केयर देने वाले केयर गिवर्स हैं वो बच्चे को अच्छे से नहीं देख रहे हैं, उसका संरक्षण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है, तो इस अरेंजमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। और वैसे भी 18 साल का जैसे ही बच्चा हो जाता है वो फॉस्टर केयर वाले अरेंजमेंट से फ्री हो जाता है, और इस फॉस्टर केयर अरेंजमेंट की वजह से बच्चे का अपने ओरिजिनल परिवार से जो रिश्ता है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। तो ये रही बात फॉस्टर केयर की। अब मैं आ जाती हूँ स्पॉन्सरशिप पे। देखिए, जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग कुछ थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं, कुछ स्टेट्स में चल रही हैं, देन अभी जो मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप के लाभ के बारे में आपको बताया गया, तो उसमें बायोलॉजिकल फैमिलीज और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको स्पॉन्सरशिप का लाभ देने की बात कही गई है। पर यहाँ मैं खास तौर पर ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा एक्ट है, JJ एक्ट, और जो JJ मॉडल रूल्स हैं, उनमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत इंक्लूसिव लैंग्वेज है, वो रेस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो स्पॉन्सरशिप यानी कि सप्लीमेंट्री सपोर्ट का जो प्रावधान है, ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगी कि बहुत ही वाइड है, वाइड प्रोविजन है। सो दी अथॉरिटीज एट एवरी लेवल नीड्स टू बी रियली प्रोएक्टिव एंड इनोवेटिव इन दिस रिगार्ड। आई थिंक इट कैन बी एक्सप्लोर्ड इन ए वराइटी ऑफ वेज, इवन लोकल लेवल पर, जहाँ पर कि DCPUs और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है, और CWC इस रिगार्ड में ऑर्डर इशू कर सकती है, वो बहुत तरीके से स्पॉन्सरशिप को यूज़ कर सकते हैं, और प्राइवेट स्पॉन्सरशिप का भी जो प्रोविजन है उसको यहाँ पर यूज़ करते हुए जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ दिया जा सकता है। खास करके जो OAS बच्चे हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर वो बच्चे अडॉप्टिव फैमिली में चले जाते हैं तो अडॉप्टिव फैमिली ही उनका वेलबींग देखेगी, लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन में है और स्पॉन्सरशिप के थ्रू उन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट दिया जा सकता है तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर अडॉप्टिव फैमिली भी बाद में किसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में आ जाती है, अगर बच्चे के लिए कोई नया क्राइसिस वहाँ उत्पन्न हो जाता है, तो
यहाँ पर द लॉ डज नॉट बार एनी ऑफ दीज फैमिलीज फ्रॉम टेकिंग बेनिफिट ऑफ एनी सच स्कीम. तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का जो ये एक प्रोविजन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन है और ये अभी तक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है. तो यहाँ पर जो आप पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बारे में थोड़ा और अवेयरनेस भी ला सकते हैं. और यहीं पर मैं अपना जो सेशन है वो कंक्लूड करूँगी. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम रेडी टू टेक. थैंक यू सो मच मैम। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इवन एडॉप्शन रेगुलेशन ये इतना बड़ा है, लेकिन तब भी बहुत आपने एडॉप्शन का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बहुत टेक्निकल टॉपिक है, जी तो मुझे लग रहा है कि जी इतने जी से समय में तो बिल्कुल इसके साथ जस्टिस नहीं किया जा हाँ सकता है. नहीं, पर आपने आपने जस्टिस किया है जितना हम लोगों ने आपको टाइम दिया था, और बहुत सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट भाषा में आपने जो बारीक बारीकियां हैं उसे आपने हमने हमारे सामने रखी हैं। स्पेशली जो हमारे जो जिनको भी इसमें और ज़्यादा जानने की इच्छा है, बहुत सारे वीडियोस भी हैं और वो आपको और स्ट्रेंथन करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। और आपने अपने सेशन में CWC के रोल्स को भी रिट्रेट भी किया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये प्रोसेस किसके पास में जाके पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। एक बात मैं इनफैक्ट और भी इसमें कहना मैं चाहूँगा थोड़ा कि सा ये स्पेशली बताना जी, चाहूँगी पार्टिसिपेंट्स को कि जो इंक्वायरी का प्रोसेस होता है उसमें पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का और जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चे को रखा गया है उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है. और यहाँ पर जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं या जो भी न्याय बंधु हैं उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस बढ़ाइए कि सेफ अबैंडनमेंट, सुरक्षित जो बच्चे को अबैंडन करने की प्रक्रिया है जो कि स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के बाहर पालने लगे होते हैं, वो संभव है. तो यहाँ पर बच्चों को इधर उधर जो लोग छोड़ देते हैं उन तक ये बात पहुँचना ज़रूरी है कि JJ एक्ट में सेफ अबैंडनमेंट पॉसिबल है और CWC के सामने बच्चे का सरेंडर भी पॉसिबल है. तो अगर ये बात लोगों तक पहुँचती है तो जो अनसेफ अबैंडनमेंट है बच्चों का वो बहुत हद तक रोका जा सकता है और बच्चों को बचाया जा सकता है.